यहां से भी अब आए जानू भाई बिल्कुल दूर है कोई चीज। हाँ रुके रुके गिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं। ना छेड़ो, हाथ क्यों लगाते हो यार? ना छेड़ो, हाथ ना लगाओ ना बगैर पूछे। यार इधर 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 रुके रुके रुके, रुके गिर ना जाए। देख कोई चीज है बाहर, इधर से बाहर निकलो यार। हैं इधर से बाहर निकलो। अल्लाह अल्लाह बाबा, इधर है चीज तो है, बहुत सख्त चीज यार है। ये चार पाई उल्टी। हाँ हाँ तो सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सच्चे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकी के साथ मैं हूँ माजिद अली और मेरे साथ मौजूद है जानू भाई, अवेस भाई और आलू भाई। आज हमारे पास एक और जगह है जहाँ पर हम आए हैं। ये जगह पहले भी आपने देखी होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर, मगर आज जो हमें दोबारा चाचा जी ने यहाँ पर बुलाया है उसकी भी एक वजह है। वो वजह ये है कि यहाँ पर जो चीज़ पहले नज़र आई थी, जो जानू भाई ने भी हाज़िर की थी, वो चीज़ उस टाइम तो यहाँ से चली गई, मगर अब दोबारा वो चीज़ नहीं है, कोई और चीज़ है जो यहाँ पर आके इनको तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, और रातों को इनको सोने नहीं देती, आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा। वो ये चाचा जी का कहने का मकसद ये था कि ये एक फ़ीमेल है। अब समझ में नहीं आता ये फ़ीमेल है या कोई ऐसी कोई मखलूक है या जिन्नात है जिसने यहाँ पर ये सब कुछ आके किया है। ये भी हो सकता है कि किसी ने काला जादू करके ऐसा कोई साया, ऐसी कोई चीज़ वगैरह। जानो भाई ऐसा भी होता है ना माजिद भाई? परेशानी इस वजह से है कि ये बाबे ने हमें फिर दोबारा बुलवाया है। जी मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि बाबे की जो भी बात है सच हो। मैं ये नहीं कहता कि इधर आया खड़ा हूँ तो मैं काम नहीं करता, इधर कार के गया हूँ, ये बात मेरी बिल्कुल नहीं है। हम आ गए हैं, बाबे ने बुलवाया है, कोई मसला है तो बाबे ने बुलवाया ना हमें। सही सही, तो जो भी होगा बाबे से पूछते हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या मसला है? पहले आए थे ना जी, उस टाइम तो कोई कबर कर गए। जी हाँ कर गए। बस दोबारा जरता हूँ ऐसी बला है जड़ी रात को जानवर डरते जी, अपने को तो आके यदम शोर मचा देना, ये कर देना सही। तो इन बात को साढ़े पर दोबारा यदम आके ने कोई ऐसा तो सर डिटी है कोई शा जी जी बहुत बड़ी बला है। जनियाद यदम पहले को ज्यादा सीख गई है, यानी कि इसकी उससे वो पहले चीज तो नहीं थी जो पहले वाली। पहले नहीं, ये दोबारा भाई है, ये कोई भाई है वो चीज नहीं। नहीं वो पहले वाली नहीं, नहीं पहले वाली नहीं, ये भाई चीज है, ये कंफर्म है कि भाई चीज है। जी जी उन्होंने डिठे ना माजिद भाई, अगर ना डिठो होया होता तो वाल तो बंदे को परेशानी थी ये के कोई नवी शय है। नवी शय है तो उन्होंने आके ना भाई नवी शय, बिल्कुल अगर पुरानी शय होती तो आके ना भाई पुरानी शय। रात को समा नहीं देनी दे। अच्छा बड़े तंग रहती है, जानवर डर दे। जाहिर ही बात है जानू भाई, जब तक ऐसी कोई असरात ऐसे कोई ऐसा ही कोई काम करो जड़े नाल मुकम्मल जड़ा छुटकारा थे भाई। हां बाबा आ तक आए, अल्लाह करे सी जड़ा काम मैं तेरे सामने कर के वेसु इंशाल्लाह। आए खणे तो आदी जड़ी थी दिए खिदमत कर के वेसु इंशाल्लाह। ठीक है बकाया टेंशन वाली गाल कह नहीं, मैं को ये परेशानी आई कि बाबे ने था को दोबारा बुलाया कि भाई शाही भाई था। मैं यही सोच रहा था कि मैं शायद वही चीज है जानू भाई। नहीं नहीं वो चीज़ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि वही चीज़ है और उस वजह से इन्होंने हमें बुलाया है कि पहली बार आपसे ये शायद मसला हल नहीं हुआ और अब दोबारा से वो चीज़ तंग कर रही है। मगर नाज़रीन अब ये सूरत हाल है कि वही चीज़ नहीं है, ये कोई और चीज़ है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि उसका यहाँ पर असर असरूत है कितना, यानी कि वो किस किस्म की चीज़ है जानू भाई। ये भी वो तो माजिद भाई जाके देखेंगे, कोई चीज़ नज़र आएगी तो आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है आ तो गए हैं तो हम जाते तो नहीं है, इधर काम शुरू करते हैं माजिद भाई। अल्लाह खैर करेगा, जो कुछ चीज़ है बाबे को जो चीज़ नज़र आई है
क्या पता वही है या कोई चीज हमें और नजर आती है हमें। हाँ ये मेन चीज है, जब तक हम ये चीज जब नजर आएगी तो बाबा को लाजमीन दिखाएंगे कि बाबा जी आ जाएं देखें ये वही चीज है ये कोई और है। सही है जी, सही है। नाज़रीन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि लोकेशन अभी हमें थोड़ा सा तो अंदाजा है कि कितनी बड़ी है, मगर फिर अंदर जाने के बाद जो मसले मसाइल पहले देखेंगे वो चीज़ नज़र आ रही है नहीं आ रही, वो चीज़ सामने आती भी है या नहीं आती, जो चीज़ आ रही है वो किस किस्म की है, क्योंकि पहले वाली चीज़ को तो हमने कंट्रोल कर लिया था, वो यहाँ से चली गई। अब इनके साथ पता नहीं क्या मामलात हैं, कौन यहाँ पर ऐसी चीज़ों छोड़ देता है इनके ऊपर, फिर ये यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं तंग होते हैं। ये भी एक मामला हो सकते हैं कि कोई जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा हो, मगर हाँ लोगों को जलील करके जैसे तंग बाबा करते हैं। हाँ है जमींदार है, जमींदार है बिल्कुल, तो होते हैं इनके कोई सड़ने वाले भी होते हैं रिश्तेदार, बिल्कुल बहुत वो सारे कर देते हैं लोगों के ऊपर वो चीज आ जाती है, इसलिए परेशानी है। हमेशा ये बात कहते हैं कि इस चीज़ का हमेशा ख्याल किया करें कि ऐसा कोई मामला ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी कोई सूरत हाल हो भी ना तो हमेशा आप उस चीज़ से एहतियात किया करें। वक्त से पहले जैसे ही बाबा जी को ये मसला पेश आया इन्होंने फ़ौरन रब्ता किया, इन्होंने कहा जी इस मसले को देखें ये जो भी सूरत हाल है बहरहाल ये पहले वाली चीज़ नहीं है, इनको नज़र आई है मगर वो पहले वाली चीज़ नहीं है, अब ये कोई और रूप है इसका। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी दबाना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। तो जानू भाई शुरू करें जी। माजी आप चलेंगे हमारे साथ बाबा जी? चले आ जाए, चलते हो ना? चले चले। जानू भाई जी पहले तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोठी है ना अंदर चलें, अंदर से सारी चीज को देख ले पहले। बाबा जो चीज है ना बाहर ही है, अंदर मुझे अंदाजा नहीं है कि अंदर होगी कोई चीज। आ जाए बाबा जी आ जाए, अंदर से भी आवाज आती है ना? अंदर से आवाज आती है, अंदर ही आवाज आती है ना, बड़ी पावनार आवाज आती है। अच्छा बाबा जी अंदर भी आवाज आती है, क्योंकि यहाँ पर भी जानवर बांधे जाते हैं ना। ऐसा कोई है पढ़ाई करके देखे कोई हुआ चीज महसूस हो रही है? कोई चीज नहीं है तो शोर किस चीज का था? जब कोई चीज है ही नहीं तो शोर किस चीज का था? इधर थी अभी है ना, थी अब गायब था, इधर उसका घर नहीं है, है? अंदर ही है जो चीज भी है माजे भाई, आती है बाबू को डराती है, इधर अंदर बाग में, अंदर बाग में इधर आती है बाबे को डराती है फिर वापसी, ऐसे है ना बाबा? सर आपके जानवर भी डर जाते हैं ना? डर भी नहीं सर। चलिए चलिए आवाज है, चलिए चलिए आवाज है, ऐसी ही आवाज आती है बाबा जी? ये जाइए डरावनी आवाज है, मतलब खौफनाक सी है। आ जाए आ जाए आ जाए हमारे साथ, ये पुरानी ये है। बाबा ये इंदे वेज पीटर भी है, पीटर पानी वाला। अच्छा इंदे वेज ही आवाज आनी है, अंदर चलो हमें ले चलो, कोई चीज है तो नहीं सांप वगैरह? नहीं नहीं चलो।
इधर से आवाज आती है बाबा जी, हमें आवाज नहीं आई। हाँ आवाज यहाँ से थी। आदमी इसकी हालत देखी बड़ी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। लो ये कैसे हिलाएगा ना भाई, रुके 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 यार, सर पे ना लग जाए, रुके रुके गिरने वाले, गिरने वाले। ना छेड़ो हाथ क्यों लगाते हो यार, ना छेड़ो हाथ, ना लगाओ ना बगैर पूछे। लो ये देखो सो बार कहा है भाई हाथ ना लगाओ, ना लगाओ, हाथ लगाने से मसला आ रहा है। अब अंदर कौन सी चीज घुस गई है, कुएं से आ रही है, कुएं के अंदर से नहीं मिटी, दीवार के पतले साइड से है भाई। देखो इधर से कोई चीज है, माजिद कैमरा घुमा इधर, हट यार, इधर 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 इधर, रुके 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 रुके, गिर ना जाए। ये है टूटी हुई है, ये है तो टूटी हुई, जानो भाई सारी चीज आ गई। उधर देख कैमरा, इधर घुमा, इधर कैमरा घुमा, मार देख कोई चीज है बाहर, इधर से बाहर निकलो यार, इधर से बाहर निकलो। यार इसमें ज्यादा मसला आ रहा है जानू भाई। यार बाबा माजिद क्या करें, हम अंदर जाते हैं तो इतना शोर शराबा, बाहर से आवाजें आती हैं, अंदर से आती हैं। यार जानू भाई मगर इस कोठी के अंदर देखा जाए बहुत ज्यादा है। इधर से बाबा जी अगर आप हमें रास्ता बता दें तो हम ऐसे जाते जाएंगे, अगर आप तकलीफ ना करें तो। नहीं साथ रहे जानू, अगर आप चलते हैं तो चले जानू भाई, साथ रहने दो, साथ रहने दो। चलो चलो नहीं, वो बूढ़े आदमी है ना माजिद भाई, थक जाते हैं। देखो किधर है शोर, ये किधर है, बाग है क्या, हैं इधर माय भी, अंदर चले, अंदर कुछ चीज है। यार रुके यार, ये बहुत गंदा है जानो भाई। अब बंद हो गया, माजिद भाई दो मिनट चुप, इधर से है ना, एक मिनट माजिद भाई, बाबा जी एक मिनट, अंदर कुछ है बाग में, अंदर चले जानू भाई, आए एक मिनट माजिद, एक मिनट उधर रुक, तो रुक जाओ, सो न को जानू भाई, आप लोग नजर नहीं है, आजो माजिद आजो, हैं आ जाओ। अवेश भाई इधर आए जरा, हाँ जानू भाई
रास्ता मुश्किल था काफी। बाबा इधर है चीज तो है बहुत सख्त चीज यार ये चार पाई उल्टी। हाँ हाँ तो सही कह रहे हो तुम बिल्कुल सच्चे हो वाकई शह है इधर जान भाई जी ये चार पाई देखिए जी चार पाई हाँ उल्टी है कभी कभी शोर खत्म हो जाता है रुकिए शोर आ रहा है तो कभी कभी ऐसे लगता है कि चीज है ही नहीं शोर बहुत है शोर है मगर चीज ज्यादा नहीं आ रही माजिद आगे तो बढ़े थोड़ा सा इस तरफ है इस तरफ ये पानी में आ ओए ओए इधर पिछाड़ पिछाड़ कुछ चीज है मुझे आपको जानने की जानू भाई रमेश भाई जी जी ख्याल से ये देखे नागरिक दरख के साथ चार पाई उल्टी। बाबा जी आपने की हुई है पहले दिन चाहिए ना पहले किए से बाबा जी जब तक कोई चीज नजर तो आए ना इधर नहीं है इधर तो है नहीं इधर नहीं है कोई भी चीज बाबा सामने देखो वो सामने किधर वो सामने खड़ी है रास्ता किधर है सामने नहीं खड़ी यहाँ से अभी अब आए हैं जानू भाई बिल्कुल दूर है कोई चीज है वहां से नजर आ रही है इधर से रास्ता ही नहीं है भाई जानू भाई है? ये रास्ता है ना किधर इधर को नहीं है खूह है ना उधर यार जानू भाई है अल भाई चले 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 गायब हो गई माजिद भाई हाँ माजिद निकल गई है जी किधर इधर से निकल गई है कहाँ से चला नहीं है रास्ता ही दोस्तों ओए भाई पीछे ओए इधर इधर ऐसे नहीं तूने काम करना पूछ के जाना जो काम भी करना है आपने बाबा जी इधर आए ना जरा ये वही चीज है जो इधर थी अभी जो गायब हुई है ओ बाबा दूर से नजर आ रही थी आपको अच्छा जी जानू भाई इधर है ना दूर हो के आपकी आवाज नहीं आ रही सही आए ना आगे आए ना हमने आगे आ जाए इसका अब घर ढूंढे ना जिधर ये रह रही है
इधर जाने नहीं आए। भाई मेरे पीछे पीछे रहो। अच्छा बाजी। हाँ दरख्तों के ऊपर देखो चढ़ के चेक ना कर जानो भाई। चढ़ के चेक करो ए। कहाँ चले मारे भी ऊपर इतना ऊपर। ओ ऊपर है सारा ऊपर निकलना तूने। ऐसे देख ना कोई चीज नजर आ जाए तुझे। यार नीचे और जा के देख तो सही पहले बैठ कर मेरे साथ। ऊपर चढ़। ऊपर नहीं चढ़ता। ओ उधर से चढ़। आलू भाई जा रहे हैं। आलू भाई मेरा वजन बहुत ज्यादा है। तेरी नियत ही बात है। तेरा वजन ज्यादा नहीं है। बस आलू भाई देखिए यहाँ तक कोई चिल्ला रहा है। देखो भाई इधर से आ इतना ऊपर ना चढ़ो। नहीं मैं जानू भाई ऊपर कुछ नहीं है। वो भी नीचे आओ नीचे आओ।